हेलो गाइस, चंदा दी रसोई 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज मैं चिकन स्टू बना रही हूँ, बिल्कुल डिफरेंट टाइप से। इसके लिए मैं थोड़े से कुकर में पानी डाल दी हूँ। इसमें एक दालचीनी, दो लौंग, थोड़ी छोटी इलायची और थोड़ी सी लहसुन की पेस्ट। और अब मैं इसमें एक तेज पत्ता और प्याज डाल दूंगी। और ये मैं दो आलू छील के काट दी हूँ गोल गोल, इसे भी डाल दूंगी। और अपने ये हमारा चिकन है, इसे मैं धो दी हूँ, इसे भी मैं इसमें डाल दूंगी। अगर आपको बहुत जल्द स्टू बनाना हो तो आप ऐसे बनाओ, बहुत अच्छी ये स्टू बनेगी। हल्दी पाउडर, मिर्चा पाउडर भर के, धनिया पाउडर और सरसों का तेल और थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च, थोड़ी सी गरम मसाला। एक चम्मच भर के प्यूरी। अब मैं इसे लॉक कर दूंगी, एक सीटी लगा के आपको दिखाती हूँ। ये चिकन बहुत बनाना आसान है। आपको बहुत जल्द में अगर स्टू बनाना है तो आप स्टू को ऐसे बना के देखो, ये बहुत जल्द बनती है। इसे इधर कर देती हूँ, इधर आँच हमारा बहुत तेज है। हमारा एक प्रेशर मैं दे देती हूँ इसमें, उसके बाद मैं इसे बना के आपको दिखाती हूँ। चाहो तो इसी घी में भी फ्रेंड बना सकते हो, बट मैं इसे प्योर सरसों तेल में बना रही हूँ। प्रेशर ले चुका है, 2 मिनट और लगेगा इसको पकने में। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, जैसे स्टू की आनी चाहिए वैसी खुशबू इसमें आ रही है। ये देखिए, थोड़ा सा मैं इसे और
से मैं बहुत कम तेल मसाले में बना रही हूँ, क्योंकि स्टू जो बनता है उसमें ज़्यादा मसाला नहीं पड़ता है। देखिए हमारा चिकन बिल्कुल अच्छे से पक गया है। अब मैं इसे पीस आउट कर देती हूँ। बहुत अच्छी खुशबू फ्रेंड इसकी आ रही है, बहुत मस्त बनता है। कम तेल मसाला में अगर आपको बनाना हो तो इस तरह से आप चिकन बना के देखिए, बहुत मस्त चिकन बनता है। देखिए हमारा स्टू बन के रेडी है। अब मैं इसमें ऊपर से थोड़ी सी ऊपर से मैं इसमें थोड़ी सी क्रीम डाल देती हूँ। फ्रेंड आपको ये हमारी रेसिपी कैसी लगी? ये झटपट चिकन स्टू था। आप भी हमारी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और बताएं कि कमेंट ज़रूर दें कि कैसे बनी। थैंक यू।